होली के रंगों में सबसे मस्त रंग होता है जोगीरा, और इस बार की जो होली है वो चुनावी होली है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आपको बता दें, देश प्रदेश की शख्सियत जिस तरह से देते हैं हंगामा टाइम्स न्यूज के दर्शक और अपने प्रियजनों को बधाई संदेश, तो वहीं हम आपको बता दें इस बार की जो होली चुनावी संदेश से प्रेरित है, जहाँ पर चुनावी होली की बातों के संग शुरू करते हैं, जहां झूठे वादे करते हैं नेता जनता से खूब और करते हैं आम जनता के दिल पर घाव। तो बोलो जोगीरा सारा रा रा रा। और वहीं आपको हम बता दें, देश प्रदेश की खास शख्सियतों ने दिया है हंगामा टाइम्स के दर्शकों और प्रियजनों को बधाई संदेश। आइए डालते हैं उनके बधाई संदेश पर एक नज़र। और ये रंग बिरंगी होली आप सभी के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर के आए, यही हंगामा टाइम्स परिवार प्रार्थना करता है ईश्वर से। आइए डालते हैं एक रिपोर्ट पर नज़र। देख रहे हंगामा टाइम्स, तो इस समय मौजूद है टीडी अंदर कॉलेज में, जहां आप देख रहे हैं यहां पर होली सेलिब्रेशन चल रहा है। होली यानी कि हमारा सबसे बड़ा फेस्टिवल त्यौहार, जहां गुजिया है, रंग है, रंग बिरंगे चेहरे हैं और खुशियां हैं। बिना खुशियों के फेस्टिवल अच्छा नहीं लगता, लेकिन खुशियां और ये कलर जो चेहरे पे लगता है, तो इससे बड़ा खुशी मुझे लगता हो नहीं सकती है। कितने खुश है, और ये टीडी अंदर कॉलेज का स्टाफ, बच्चे हैं जो सेलिब्रेट कर रहे होली। प्रबंधक महादेव यादव और टीडी गर्ल्स की प्रधानाचार्य लक्ष्मी जी भी सेलिब्रेट करी। बच्चों का चेहरा रंगे, वो सब खुश है। और होली ऐसा फेस्टिवल है जो जितने दुखी लोग होते हैं वो भी सेलिब्रेट करते हैं, या उनके चेहरे पे कलर लगता है तो खुशी अपने आप है। और सर से प्रबंधक जी से जानेंगे, महादेव जी से, सर कैसा लग रहा है आज रंगे हुए चेहरे? अभी जान रहे हैं। अच्छा सर कह रहे हैं अभी नहीं पूछे, बाद में बात करें। मैम से जाने, मैम कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, इतने बड़े स्टाफ के साथ होली मनाई जा रही है, बहुत बढ़िया बात है। घर की फैमिली सबके पास होती है, पर ये विद्यालय की फैमिली है। देखिए बच्चे भी आज आए हुए हैं, स्टाफ पूरा मेरा 50 स्टाफ है। बढ़िया है, एकता में बल दिखाया जा रहा है। आपको कितना पसंद है होली का फेस्टिवल? मुझे पसंद है, लेकिन इतना नहीं पसंद, लेकिन यहाँ स्टाफ के बीच मिलके मुझे बहुत पसंद आ जाता है। कलर कौन सा पसंद है जो आपको लगता है कि चेहरे पे होना? ग्रीन। ग्रीन ग्रीन, तो आप देखो आधे ग्रीन कलर सबके चेहरे पे है, मैम का फेवरेट है। जी जी। और मैम आप बहुत अच्छा गाती, तो होली पे मैम कहो सर क्या कहो, उसको सुनाइए हमारे स्टाफ के लिए, सभी लोग मतलब अच्छे से होली मनाए, अच्छे से उनका त्यौहार व्यतीत हो, सब खुशी, क्योंकि होली क्या है, खुशियों का त्यौहार है हमारे लिए, तो हमें खुशी के साथ मनाना चाहिए। और ये नहीं सोचना चाहिए कि आपस में वैमनस्यता, यानी कि कभी कोई बात भी हो जाए तो उसको भूल करके अच्छे से रहना चाहिए, अच्छे से त्यौहार में। बिना नहीं गाती है, इनकी ट्यूनिंग इन्हीं के साथ बनी है। चल होली खेले रंग बीरा, अवध में होली खेले रंग बीरा, अरे होली खेले रंग बीरा, अवध में होली खेले रंग बीरा, केकरे हाथे कनक बजकारी, केकरे हाथे कनक पिचकारी, केकरे हाथे अबीरा, अवध में होली खेले रंग बीरा, अरे केकरे हाथे अबीरा, अवध में होली खेले रंग बीरा, अरे होली खेले रंग बीरा, अवध में होली खेले रंग बीर। होली है क्यों, और ये सब वो लोग बच्चे हैं और बच्चे साथ हैं। बच्चों कैसा लग रहा है स्कूल में होली? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। होली कैसी लग रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। घर पे कैसे खेलोगे? घर पे गुलाल से। गुलाल से ना, हाँ। कि होली कलर की नहीं, गुलाल की है। सर अब आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा? देखिए मैं तो अपने बच्चों के साथ हमेशा ऐसे होली खेलता हूँ, और होली हमारा हिंदुओं का भारत देश में बहुत अच्छा त्यौहार है। इसका महत्व ही लोग भूल गए हैं। कुछ अच्छाइयाँ हर त्यौहार में, कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ होती हैं, लेकिन हमारे पुरखों ने जो होली का त्यौहार बनाया था, बच्चों को आज होली के विषय में पता ही नहीं। मैं तो बताता रहता हूँ इनको, हमारा फागुन का आखिरी दिन
जब होता है, जिस तरीके से अंग्रेज़ों का 31 दिसंबर को लास्ट नाइट होती है, उसी तरीके से फागुन की रात हमारी आखिरी दिन होता है हमारे हिंदी वर्ष का। उस दिन हम होली को आग लगाते हैं। कितना सुंदर सुहाना मौसम है। अभी आप हरे रंग की बात कर रही थी, हरा हरा रंग में गुलाल लिए हुए हूँ, हरा रंग में लगाता हूँ। सारी प्रकृति हरी हरी है, फल फूल देखिए, वो पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, सब में फूल लगे हुए हैं, हैं फल लगे हुए हैं, किसानों की धरती लहला रही है फसलों से। ऐसे समय पर ये हमारा होली त्यौहार आता है। कुछ लोग स्वेटर पहने हैं, कुछ कोट पहने हैं, कुछ बिल्कुल मस्ती में हैं, अपने पतले कपड़ों में आ गए। न ज़्यादा गर्मी है, न ज़्यादा जाड़ा है, कितना बढ़िया सुहाना मौसम है। ऐसे समय में होली त्यौहार आता है। हमारे बच्चों की परीक्षाएं भी ख़त्म हो चुकी हैं, ये भी मस्ती में हैं, किसान मस्ती में हैं, उनके फसल लदी हुई है और सब लोग मस्ती में हैं। और जब रात में आखिरी दिन होगा हमारे साल का, उस दिन होली में आग लगेगी, हम लोग होली तापेंगे और जाड़े को बाय बाय कहेंगे। लड़के बाय बाय करते कि भाग जाओ, हम जाड़े को बाय बाय करेंगे भगा कर, है ना। हम अपने किसी बच्चे को बाय बाय नहीं करने देते, तो जाड़े को बाय बाय कर देंगे। उसके बाद जिस दिन हमारा नया वर्ष होता है, कोई मनाए या ना मनाए, क्या हमारे पुरखों ने बनाया था कि जब हमारा नया दिन नए साल का शुरू होता है, हम लोग क्या एक दूसरे को रंग लगाकर उनके चेहरे कितना सुंदर बना देते हैं और एक दूसरे के ऊपर रंग डालते हैं, हम मस्ती में गाते हैं, झूमते हैं, और उसके बाद फिर क्या करते हैं, नहा धोकर नए नए कपड़े पहनकर एक दूसरे को होली की बधाई देते हुए हम कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर। अपना हैप्पी न्यू ईयर है, शुभ होली। हाँ, उस दिन पहला साल का पहला दिन होता है, ये बच्चों को पता ही नहीं हो। हमारे यहाँ बहुत दिन कहेंगे वो नवरात्र से नया दिन साल शुरू होता है, होली के दूसरे दिन ही हमारा नया साल शुरू हो जाता है। तो मेरे यहाँ बच्चे, हम तो अपने बच्चों के साथ मस्ती में रहते हैं, बच्चे और स्टाफ के साथ हमेशा ऐसे गुजिया इनको खिलाते हैं, इनको रंग लगाया जाता है, बच्चे खूब नहाते हैं बच्चे खूब नहाते रंगते हैं। आज 3-4 दिन से पूरा प्रांगण देखिए ना, कैसा कैसा रंग बिरंगा है। 3-4 दिन से लगभग होली खेली जा रही, तो आपको भी होली शुभ। और आपको तो मैंने होली लगाया थी, लग लगाया नहीं भाई, वो शुभ होली हो आपको, और इनको भी लगा देना चाहिए भाई। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल लगवाइए सर। और मुझे लगता है बिना कलर की होली, और कलर गुलाल ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें अंदर जो अच्छी आई है वो कोई कलर तो छुड़ाना पड़ता है। तो बिल्कुल आप साफ कर सकते हो स्किन को भी कोई भी नहीं। और मैम को भी हैप्पी होली, और टीडी गर्ल्स के पूरे परिवार को हैप्पी होली। दूसरा ये होता है कि ये पुरखों ने ऐसे बनाया था कि साल भर में जब रहते हैं, जब आपस में पास पड़ोस में रहते हैं तो लड़ाई झगड़ा हो ही जाता है, लेकिन होली के दिन एक दिन ऐसा आता है कि उस दिन एक दूसरे के गले जरूर मिलते हैं उसको, और जब गोली मिलने आता है कोई होली तो उसको गुजिया भी जरूर खिलाते हैं, मिठाई भी जरूर खिलते हैं, गले मिलाते हैं। हमको पसंद है, क्यों नहीं पसंद है, जब गुजिया तो भाई मीठी होती है, कड़वी तो होती नहीं। दारू कुछ लोग पीते हैं, वो हमें पसंद नहीं, बिल्कुल छू नहीं सकते। एक दिन एक दारू पीने गए किसी के, ओ मिलने होली गए तो वो ले आके तो बोतल रख दिए मेरे सामने। हमने कहा ये क्या है भैया, कहीं ना रहे होली में तो पीते होंगे तो हमने उनको बताया भैया मैं, तब वो मेरे लिए अंगूर लेकर के आए अंगूर खाने का। खुशियों भर का ये पीना खाना ये सब अलग है, खुशियों भर का होना चाहिए। अब ये बच्चे इंजॉय करने जा रहे हैं, आप देख सकते हो, या टीचर्स के साथ होली सेलिब्रेट, अब सब गुजिया खाएंगे। और ये टीटी गर्ल्स इंटर कॉलेज की होली सेलिब्रेशन चल रहा है, और आपको हंगामा टाइम्स पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी होली।